600 सालों तक कायम रहने वाली सल्तनत उस्मानिया किन फैसलों की वजह से जवाल की तरफ चली गई? खिलाफत उस्मानिया और मुगल सल्तनत के आपस में क्या और कैसे ताल्लुकात थे? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कैसे और क्यों उस्मानी खिलाफत की तहरीक की मुखालफत की थी और गांधी कैसे खिलाफत की तहरीक का हामी बना? तारीख इस हैरान कुन मामले के बारे में क्या बताती है? खिलाफत उस्मानिया के खलीफा और बड़े सगीर के बादशाह एक दूसरे की मदद करते थे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। खिलाफत उस्मानिया और मुगल सल्तनत और बड़े जखीर के बड़े लीडर्स के आपस में ताल्लुकात के बारे में बताने से पहले हम आपको मुख्तसरन तारीख का एक बड़ा वाक्या भी सुनाए चलते हैं जो आज की वीडियो के हवाले से निहायत अहम है। ये वक्त था मुगल सल्तनत के एक बड़े बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर और उस वक्त की अफगान सरजमीन के इब्राहिम लोदी के माबैन एक तारीखी जंग का। इब्राहिम लोदी, जिसके पास उस दौर का एक बड़ा और खौफ पैदा कर देने वाला लश्कर मौजूद था, ज़हीरुद्दीन बाबर को अच्छी तरह एहसास था कि उसकी फौज दुश्मन के मुकाबले में 8 गुना कम है। इस बात की मिसाल यूं भी ले सकते हैं कि अगर एक साइड पर 20,000 की फौज थी तो उसके मुकाबले में इब्राहिम लोदी के पास 1.5 से 2 लाख की फौज हो। लेकिन इसीलिए ज़हीरुद्दीन बाबर ने उस मौके पर एक ऐसी चाल चली जो इब्राहिम लोदी के वहमो गुमान में भी ना थी। उसने पानीपत के मैदान में उस्मानी तुर्कों का जंगी हरबा इस्तेमाल करते हुए चमड़े के रस्सों से 700 बैलगाड़ियां एक साथ बांध दी। उनके पीछे उसके तोपची और बंदूक बरदार आड़ लिए हुए थे। उस जमाने में तोपों का निशाना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब उन्होंने अंधाधुन गोलाबारी शुरू की तो कान फाड़ देने वाले धमाकों और बदबूदार धुएं ने अफगान फौज को हवास बाख्ता कर दिया और इस नागहानी आफत से घबरा कर जिसका जिधर मुंह उठा उधर को भाग खड़ा हुआ। यह पानीपत की पहली लड़ाई थी और इसके दौरान हिंदुस्तान में पहली बार किसी जंग में बारूद का इस्तेमाल किया गया था। 50,000 सिपाहियों के अलावा इब्राहिम लोदी के पास 1,000 जंगी हाथी भी मौजूद थे, लेकिन सिपाहियों की तरह उन्होंने भी कभी तोपों के धमाके नहीं सुने थे और इसीलिए पोरस के हाथियों की तारीख दोहराते हुए वो जंग में हिस्सा लेने की बजाय दुम दबाकर यूं भाग खड़े हुए कि उल्टा लोदी की सफ़ें तितर बितर कर डाली। बाबर के 12,000 तरबियत याफ्ता घोड़सवार इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बर्क रफ्तारी से पेश कदमी करते हुए लोदी की फौज को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर बाद बाबर की फतह मुकम्मल होगी। दुनिया के मशहूर मौरखीन इस जंग को तारीख की सबसे फैसला कुन जंगों में से एक करार देते हैं। यह अजीम और शान मुगलिया सल्तनत का लम्हा आगाज था। उस्मानी जंगी हरबे के अलावा इस फतह में 2 तुर्क तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने भी कलीदी किरदार अदा किया था। उन्हें एक और अजीम सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा सलीम अव्वल ने बाबर को बतौर तोहफा इनायत किया था और इस लम्हे को उस्मानियों की तरफ से मुगल सल्तनत की मददगार के तौर पर हमेशा याद रखा जाता है। बाबर के जानशीन हमायूं को उस्मानियों का ये एहसान याद रहा। वो सलीम अव्वल के बेटे सुलेमान अलीशान या सुलेमान दी मैग्निफिसेंट को एक खत लिखते हैं जिसके अल्फाज कुछ यूं थे कि रुतबा खिलाफत पर फायज आली जनाब, फल के अजमत के सतून, इस्लाम की बुनियादों के रखवाले सुल्तान के लिए नेक तमन्नाएं। आपका नाम मोहरे जाओ मंजिलत पर खदा हुआ है और आपके दौर में खिलाफत नई बुलंदियों तक पहुंच गई है। अल्लाह करे कि आपकी खिलाफत जारी और सारी रहे। हुमायूं के बेटे अकबर ने उस्मानियों के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात कायम करने की कोशिश नहीं की, जिसकी एक वजह यह हो सकती है कि उस्मानी ईरान के सफवी हुक्मरानों के साथ मुसलसल हालत जंग में थे और अकबर सफवियों को नाराज नहीं करना चाहते थे। अलबत्ता उनके जानशीनों शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर के उस्मानी सलातीन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उनके दरमियान तहाइफ और सफारती वफूद का तबादला आम था।
और वो उन्हें खुले दिल से तमाम मुसलमानों का खलीफा भी मानते थे। सिर्फ मुगल ही नहीं बल्कि दूसरे बरसग़ीर के हुक्मरान भी उस्मानियों को अपना खलीफा समझते थे और इक्तदार में आने के बाद उनसे बायत लेना ज़रूरी समझते थे। टीपू सुल्तान ने मैसूर का हुक्मरान बनने के बाद एक खसूसी वफद कुस्तुनतुनिया भेजा था ताकि उस वक्त के उस्मानी खलीफा सलीम सोयम से अपनी हुक्मरानी की तायद हासिल कर सकें। सलीम सोयम ने टीपू सुल्तान को अपने नाम का सिक्का ढालने और जुमे के खुतबे में अपना नाम पढ़वाने की इजाज़त दे दी थी। ये अलग बात है कि उन्होंने टीपू की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए फौजी इमदाद की दरख्वास्त कबूल नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त वो खुद रूसियों से बरसरे पैकार थे और इस दौरान वो ताकतवर अंग्रेज़ों के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। उस्मानियों ने इब्तिदा में ही यूरोप के कई इलाके फतह कर लिए थे। सुलेमान अली शान, जिनके नाम पर बनने वाली टेलीविजन सीरीज मेरा सुल्तान दुनिया भर में मकबूल हुई, उनके दौर में सल्तनत अपने फौजी, सियासी और मुआशी और सकाफती अरूज पर पहुंच चुकी थी। ताहम दो बार कोशिश के बावजूद सुलेमान अली शान ऑस्ट्रिया के शहर वियना को फतह नहीं कर सके। ये यूरोप में एज ऑफ डिस्कवरी यानी दरियाफ्तों का दौर था और स्पेन, पुर्तगाल, नेदरलैंड्स और बरतानवी बहरी बेड़े दुनिया भर के समंदर खंगाल रहे थे। बरआज़म अमरीका की दरियाफ्त और उस पर कब्जे से यूरोप को बकिया दुनिया पर वाज़े बरतरी हासिल हो गई थी और उन्होंने जगह जगह अपनी नौ आबादियां कायम करना शुरू कर दी। 16वीं और 17वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में यूरोप ने बकिया दुनिया को पीछे छोड़ दिया। इसकी एक वजह यह थी कि जहाज रानी की सनत के फरोग की वजह से उन्हें जहाज रानी के लिए नित नए आलात ईजाद करने और उन्हें बेहतर बनाने की जरूरत थी, जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों को फरोग दिया। दूसरी चीज छापा खाना थी, जिसकी 1439 में ईजाद के बाद यूरोप में इल्मी और फिक्री इनकलाब बरपा हो गया। वो अलूम और फनून जिन पर इससे पहले सिर्फ अशराफिया और कलीसा का इजारा था, अब आम आदमी की दस्तरस में आ गए थे। अगर उस्मानी भी प्रिंटिंग प्रेस से इस्तफादा शुरू कर देते तो शायद आज दुनिया की तारीख मुख्तलिफ होती। लेकिन सुल्तान फातेह के बेटे बायजीद दोइम ने 1483 में अरबी रस्म-उल-ख़त में किताबें छापने वालों के लिए मौत की सजा मुकर्रर कर दी थी। इसकी वजह यह थी कि उल्मा ने छापा खाने को फरंगियों की ईजाद कहकर फतवा जारी कर दिया था कि इस फरंगी ईजाद पर कुरान या अरबी रस्म-उल-ख़त में किताबें छापना मजहब के खिलाफ है। चुनांचे यूरोप आगे बढ़ता चला गया, उस्मानी सल्तनत साल ब साल सुकड़ती चली गई। हत्ता के पहली जंग अजीम के दौरान अंग्रेजों ने इनसे अनातोलिया के अलावा तकरीबन तमाम इलाके छीन लिए थे। बरसग़ीर के मुसलमानों को इसका बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो उस्मानी खलीफा को अपना मजहबी हुक्मरान और रहनुमा समझते थे। उन्होंने 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की क़यादत में तहरीक खिलाफत शुरू की, जिसमें अंग्रेज़ों को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने खलीफा अब्दुल हमीद को माजूल करने की कोशिश की तो हिंदुस्तानी मुसलमान उनके खिलाफ बगावत कर देंगे। इस तहरीक में अताउल्लाह शाह बुखारी, हसरत मोहानी, मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद, जफर अली खान, मौलाना महमूद अल हसन और हकीम अजमल खान जैसे बड़े रहनुमा भी शामिल हो गए। साल 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी तहरीक खिलाफत का साथ देना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी की अदम तशद्दुद पर मबनी सिविल नाफरमानी की मुहिम तहरीक खिलाफत ही के बतन से फूटी थी। दिलचस्प बात यह है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद को इस तहरीक से अलग थलग रखा, क्योंकि वो समझते थे कि यह तहरीक कामयाब नहीं हो पाएगी। इससे पहले कि यह तहरीक मजीद जोर पकड़ती, 1922 में कमाल अतातुर्क की कयादत में कौम परस्त ताकतों ने मुल्क का इक्तदार संभाल कर खलीफा अब्दुल हमीद को माजूल और खिलाफत के मनसब को खत्म कर डाला और यूं 623 बरस तक शान और शौकत से राज करने वाली इस अजीम सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए गरूब हो गया। बरसग़ीर के मुसलमानों ने इंतहाई जोश और जज्बे के साथ तहरीक खिलाफत में हिस्सा लिया था। मौरखीन इस हवाले से लिखते हैं कि जिन्होंने 1921 और 22 का ज़माना नहीं देखा, उनको क्या बताया जाए कि उस वक्त बरसग़ीर किस तरह कोहे आतिश फिशां बना हुआ था।
इतिहादियों की फतह सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ उनके मंसूबों और खिलाफत को ख़त्म कर देने की कोशिश की खबर ने सारे बरसग़ीर में आग लगा कर रख दी थी। मस्जिदों, मजलिसों, मदरसों, घरों, दुकानों और खलवत व जलूद कहीं गोया इस गुफ्तगू के सिवा कोई गुफ्तगू ना थी। अवाम ने तहरीक की कामयाबी के लिए दिल खोल कर चंदा दिया था। बड़े सखीर के तूलो अर से औरतों तक ने अपने हाथों की चूड़ियां और कानों से बुंदे उतार कर खिलाफत कमेटियों की नजर कर दिए। रिवायत मशहूर है कि एक औरत अपना बच्चा ले आई और ये कहकर खिलाफत कमेटी के हवाले कर दिया कि मेरे पास चंदे में देने के लिए इस बच्चे के सिवा कुछ नहीं है। ये तहरीक तो कामयाब ना हो सकी, लेकिन तुर्की की आवाम को ये जज्बा आज भी याद है। जो लोग आज भी तुर्की जाते हैं वो यही कहते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों को जितनी इज्जत तुर्की में मिलती है वो किसी और मुल्क में नहीं मिलती। लेकिन नाज़रीन, अब एक बार फिर से पूरी दुनिया में बड़ी तब्दीलियां और नए इतिहाद बन रहे हैं, तो इस तनाजुर में आपके ख्याल में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसे इस्लामी मुमालिक के इतिहाद की सरबराही करनी चाहिए और नई खिलाफत कायम करनी चाहिए? हमें अपनी राय देते हुए उस मुल्क का नाम ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ वीडियो को एक लाइक देना, सोशियन ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।